हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट पॉइंट। मैं हूं राहुल सिंह चौहान और आज मैं इस रिवीजन सीरीज में क्लास 12th हिस्ट्री के फिफ्थ चैप्टर थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स या यात्रियों के नजरिए से के एमसीक्यूज को लेकर आया हूं। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस ट्रेवलर्स से रिलेटेड है कि कौन कहाँ से आए थे, उनके द्वारा लिखे गए किताब या अकाउंट का क्या नाम है और वो लोग क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं इंडिया के बारे में। CUET की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी और कमिंग प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी रिवीजन का काम करेंगी। जब पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा तब CUET के फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, तो उस सीरीज को भी आप लोग जरूर ध्यान से देखें क्योंकि वो आपको आगे एडमिशन पाने के लिए काम देंगे। वीडियोज अगर आपको हेल्पफुल लगे किसी भी तरह से तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम न्यू कंटेंट अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिल जाए। अगर आपको चैप्टर के कंटेंट में या किसी एमसीक्यू में भी डाउट हो तो उसे कमेंट करें, उसे जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच पोर्तुगीज राइटर प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। देखिए, जो भी ट्रैवलर्स थे वो दुनिया के अलग अलग हिस्से से आते थे। कोई पुर्तगाल से आया था, कोई आपका फ्रांस से आया था, कोई आपका मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है? आपका अफ्रीका में है, ठीक है। फिर कोई आपका उज्बेकिस्तान से आया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पुर्तगाल से आए हुए उस राइटर का नाम बताइए जो हम लोगों को व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। कहाँ के व्यापार और समाज के बारे में? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के। तो आपके ऑप्शंस हैं ट्रेवर्नियर, बारबोसा, बर्नियर या फिर इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर क्या है? बारबोसा। बारबोसा हम लोगों को दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द बुक रिटन बाय अल बिरूनी। अल बिरूनी द्वारा लिखे गए किताब का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। रिहला, किताबुल हिंद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र पहले हम लोग सुन चुके हैं, इनको किन के द्वारा लिखा गया था? इनको लिखने वाले पर्सन का नाम था कौटिल्य या फिर चाणक्य। तो ये अल बिरूनी द्वारा लिखे गए किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद, ठीक है। ये आपका अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द ट्रेवलर हुज अकाउंट वॉज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो। उस यात्री का किताब का नाम बताना है जिसका जो है कंपैरिजन आपका मार्को पोलो के वृत्तांत से किया जाता है। मार्को पोलो द्वारा लिखे गए किताब से किसके किताब का यहाँ पे तुलना किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपका इब्न बतूता। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें से सही स्टेटमेंट को छांट के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, मॉन्टेस्की यूज्ड बर्नियर्स अकाउंट टू डेवलप हिज आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा बर्नियर के लिखे गए अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था और उसी के बेसिस पे उसने ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का आइडिया दिया। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म पहले समझिए क्या है। देखिए, ओरिएंट का मतलब क्या होता है? ईस्ट, ठीक है। तो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म यही कहता है कि जो एशिया के आपके रूलर्स हैं या फिर आपका ओरिएंट या फिर ईस्ट के रूलर जो हैं, उनका जो है अपने प्रजा के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। वो उनको दबा के रखते हैं और इसके वजह से जो प्रजा है वो काफी गरीब है और आपका जो भी जमीन है वो राजा या फिर नोबल्स को बिलोंग करता है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म डेवलप किया गया है वो बर्नियर के अकाउंट को ही ध्यान में रख के किया गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है, बर्नियर गेव ए डिटेल रिपोर्ट ऑन रूरल सोसाइटी। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि बर्नियर हम लोगों को जो आपका ग्रामीण समाज है उसके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी देता है। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज गुड फॉर पीजेंट्स। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बर्नियर के हिसाब से जो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड है वो गुड नहीं था, वो अच्छा नहीं था। अगर आपका राजा पे राजा का ही पूरा भूमि पे स्वामित्व होगा तो वो अच्छी बात नहीं है, बर्नियर ऐसा मानते हैं। आखिरी स्टेटमेंट क्या कहता है? बर्नियर कंसिडर्ड इंडियन किंग वॉज द किंग ऑफ बेगर्स। बर्नियर ये कहते हैं कि जो आपके भारत के राजा है वो आपके भिखारियों के राजा है। इट मीन्स यहाँ की जनता क्या है? काफी गरीब है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है, बर्नियर का यही मानना था।
तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो देख लीजिए किस स्टेटमेंट में तीसरा नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि आपके सैदी अली रईस कहाँ से आए हुए थे, मतलब कहाँ को बिलोंग करते थे, गजनी, फ्रांस, तुर्की या फिर मोरक्को। इसका राइट आंसर क्या होगा, तुर्की या फिर तुर्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु वेयर द नगर सेठ, नगर सेठ किनको कहा जाता था, हेड ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी, हेड ऑफ विलेज कम्युनिटी, हेड ऑफ विलेज पंचायत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हेड ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी, जो आपके व्यापारियों के समूह का जो आपका हेड होता था उसी को नगर सेठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए आपको ट्रेवलर्स का नाम दिया गया है और उनके द्वारा लिखे गए आपका किताब का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस ट्रेवलर का कौन सा किताब है। तो अल बिरूनी द्वारा लिखे गए किताब का नाम क्या है, किताबुल हिंद। इब्न बतूता द्वारा लिखे गए किताब का नाम क्या है, रेहला। और फ्रेंकोइस बर्नियर द्वारा लिखे गए किताब का नाम है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो वन का टू यहाँ है, टू का वन और थ्री का थर्ड। राइट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स वॉज अपॉइंटेड एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली बाई मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ट्रैवलर था, वो कौन सा यात्री था जिसको आपका दिल्ली का जज बनाया गया था या काजी बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अलबेरिनु, महमूद गजनवी, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो आपके ट्रेवलर आए थे, जो यात्री आए थे, उनका नाम क्या था, इब्न बतूता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following was not one of the barriers discussed by Alberini? देखिए जब Alberini अपना वृत्तांत लिखते हैं, अपना किताब लिखते हैं, तो उसमें कुछ यहाँ पे पाए गए अवरोधों के बारे में लिखते हैं कि उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज, बिल्कुल लैंग्वेज उनके लिए एक दिक्कत थी, ठीक है, क्योंकि जो आपका पर्शियन थी और अरबिक थी वो यहाँ के संस्कृत से काफी भिन्न थी, तो यहाँ पे एक दिक्कत, एक बैरियर था लैंग्वेज। स्लेवरी इन द ईस्टर्न सोसाइटीज, ये उनके लिए दिक्कत नहीं था। यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं उनके लिए और क्या क्या बैरियर था। यहाँ पे डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेज, ये भी एक दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो आपका धार्मिक मान्यताएं थी और जो प्रैक्टिसेस थे वो भिन्न थी, कहाँ से, आपके उज्बेकिस्तान से, गजनी से। और आखिरी ऑप्शन क्या कह रहा है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड रिजल्टिंग इग्नोरेंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। यहाँ के जो लोग थे, भारत के लोग थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे कि वही सबसे मतलब तेज है। तो ये भी ऐसा जो है इब्न बतूता कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग को गलत स्टेटमेंट को छांटना है। अल्बेरियोनी केम टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सही है। अल्बेरियोनी जो है उज्बेकिस्तान से महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, कब आए थे, 11वीं शताब्दी में आए थे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इब्न बतूता केम टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी फ्रॉम मोरक्को, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे और कब आए थे, 14वीं शताब्दी में आए थे। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया इन द 15th सेंचुरी फ्रॉम हेरात, ये ऑप्शन भी सही है। आखिरी ऑप्शन क्या कह रहा है, फ्रेंकोइस बर्नियर केम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी फ्रॉम पोर्तुगाल, ये पोर्तुगाल से नहीं आए थे बल्कि कहाँ से आए थे, आपका फ्रांस से आए थे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मर्चेंट कम्युनिटी इन वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज, जो आपका पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में जो आपका व्यापारी समूह को क्या कहा जाता था, वैद, वकील, महाजन या फिर सेठ। तो इसका राइट आंसर है महाजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू हु यूज हुज अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, जो आपके फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू है,
किनके अकाउंट को बेस बना के अपना ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के आइडिया को दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? बर्नियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूताज अकाउंट द सिटी दैट राइवल्ड दिल्ली वाज। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता जो अपने अकाउंट उनके अकाउंट का क्या नाम है, पहले जान लीजिए रेहला, उसमें एक जो है बड़े शहर का जिक्र करते हैं, ठीक है। वो बड़ा शहर आपका क्या था? दिल्ली था। लेकिन उसको टक्कर देने वाला दूसरा शहर कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। आगरा, ग्वालियर, लाहौर या दौलताबाद। इसका राइट आंसर आपका क्या है? दौलताबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए आपको सही स्टेटमेंट को पहचानना है, इसका मतलब यहाँ पे तीन ऑप्शन क्या होंगे आपके गलत होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज क्वाइट डिजास्ट्रस फॉर फार्मर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है इब्न बतूता द्वारा नहीं दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका बर्नियर द्वारा। बर्नियर ये कहते हैं कि अगर पूरे भूमि का स्वामित्व अगर आपका क्राउन या फिर राजा के पास है तो ये किसके लिए हानिकारक है? ये हानिकारक है आपका किसानों के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, किसके द्वारा दिया गया है? इब्न बतूता द्वारा नहीं दिया गया बल्कि बर्नियर के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इब्न बतूता वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द इंडियन पोस्टल सिस्टम। यहाँ पर सही स्टेटमेंट यही है, ठीक है। इब्न बतूता यहाँ के जो आपका डाक व्यवस्था था उससे काफी प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो हम लोग को राइट स्टेटमेंट मिल गया है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बर्नियर्स वर्क वेयर पब्लिश इन फ्रांस इन। जो बर्नियर ने अपना वर्क यहाँ पे लिखा है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, उसे फ्रांस में कब पब्लिश किया गया था, ठीक है? 1668, 69, 69, 70, 70, 71 या 72, 74। इसका राइट आंसर आपका क्या है? 70, 71। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following statements is incorrect? इसमें से हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। इट मीन्स तीन ऑप्शन सही हैं, एक गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द नट ऑफ द कोकोनट ट्री लुक सिमिलर टू ए मैंस हेड। तो इब्न बतूता जब यहाँ पे पहली बार आपका नारियल देखते हैं तो उसको देख के लगता है उनको कि ये एक तरीके से किसी इंसान के खोपड़ी की तरह लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऐसा जो है डिस्क्रिप्शन देने वाले पर्सन इब्न बतूता ही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू बर्नियर द इंडियन पीजेंट्री वॉज एक्सप्लोइटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। जो फ्रेंकोइस बर्नियर थे उनके अनुसार जो यहाँ के किसान वर्ग था उसको जो है काफी ज्यादा शोषण किया जाता था। किनके द्वारा? आपका जमींदार के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट सही है आपका। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इब्न बतूता गेव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। इब्न बतूता हम लोगों को यहाँ पे प्रचलन में जो दास व्यवस्था था उसका एक अच्छा खासा विस्तृत जानकारी देते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। वो लिखते हैं कि जब वो आ रहे थे तो उन्होंने दास खरीदा था यहाँ के लोगों को तोहफा में देने के लिए। आखिरी ऑप्शन क्या कह रहा है? अब्दुल रज्जाक इज परहैप्स द ओनली हिस्टोरियन हु प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंपेरियल कारखानास और वर्कशॉप। यहाँ कह रहा है कि जो आपके शाही कारखाने थे, कारखाने या वर्कशॉप जहाँ पे आपका क्या नाम है काम वाम किया जाता है प्रोडक्शन का, तो उसका विस्तृत जानकारी कौन देता है? अब्दुल रज्जाक। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। यहीं पे ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन देने वाले अब्दुल रज्जाक नहीं है बल्कि कौन थे? आपके बर्नियर थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु वाज जेन बेप्टाइज टेवर्नियर। टेवर्नियर कौन थे? एक आपके जौहरी थे, राइटर थे, डॉक्टर थे या फिर आपके एक पोएट थे। इसका राइट आंसर क्या है? वो एक ज्वेलर थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु आर उलेमा। उलेमा किनको कहा जाता है? डिवोटीज ऑफ बुद्ध, मुस्लिम सूफी सेंट्स, डिवोटीज ऑफ विष्णु या फिर स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडी। जो आपके इस्लामिक स्टडीज के जो ज्ञाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल-बिरूनी वॉज बोर्न इन 973 एडी इन। यहाँ पूछा जा रहा है कि अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, बेसिकली अल-बिरूनी कहाँ को बिलोंग करते थे, ठीक है। सीरिया, काबुल, गजनी या फिर ख्वारिज्म। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ख्वारिज्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हु फाउंडेड दिल्ली एज अ सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। इनमें से किस ट्रेवलर ने दिल्ली को एक आपका अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ शहर माना? इसका राइट आंसर आपका क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिल्ली में मिल जाएंगे अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following cities, according to Ibn Battuta, was the largest? देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पूछ रहा है कि इब्न बतूता के द्वारा जो बताया गया है तो इसमें से कौन से शहर को सबसे बड़ा बताया गया है? सूरत, दिल्ली, दौलताबाद, आगरा। इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली। देखिए दिल्ली वो पहले नंबर पे था जो सबसे बड़ा शहर था, और दिल्ली के बाद दिल्ली को टक्कर देने वाला जो दूसरा शहर था वो कौन सा था? दौलताबाद था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टू विच किंग डिड फ्रेंकोइस बर्नियर डेडिकेट हिज मेजर राइटिंग्स? तो फ्रेंकोइस बर्नियर ने जो भी आपका लिखा भारत के बारे में वो किसको डेडिकेट किया है? लुई 13, लुई 14, लुई 15 या लुई 16? इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका है लुई 14। उन्होंने अपना जो वर्क है वो डेडिकेट किया था लुई 14। ये कहाँ के रूलर है? आपके फ्रांस के ये मोनार्क थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर डिड अलबिरूनी डेवलप एन इंटरेस्ट इन इंडिया? अलबिरूनी को जो है भारत के बारे में जो है इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हुआ कि भारत को जानने की इच्छा? गजनी, पंजाब, चाइना या फिर सीरिया? गजनी। देखिए जब आपका महमूद गजनवी है वो अटैक करता है आपका इनके बर्थ प्लेस जो है ख्वारिज्म, तो वहां से कई सारे स्कॉलर्स को लेके जाता है, तो उसमें ये आपके अलबेरिनी भी शामिल थे। तो अलबेरिनी को जब ख्वारिज्म से गजनी ले जाया गया तो गजनी जाके वो भारत के बारे में जानते हैं और भारत को जानने में उनकी दिलचस्पी और बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गजनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां वाज होम बर्नियर सर्व एट फिजिशियन? यहां पर देखिए बताया गया है कि शाहजहां के जो पूछा जा रहा है कि जो शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है जिनके लिए जो बर्नियर है वो एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया, मतलब एज ए चिकित्सक सर्व किसको किया है बर्नियर ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, उन्हीं को बर्नियर ने चिकित्सक के रूप में भी सर्व किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तराबाबाद क्या है पूछा जा रहा है? मार्केट प्लेस ऑफ क्लोथ्स, इज द मार्केट प्लेस ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का वो बाजार है या कपड़ों का बाजार है, या बाजार है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जहां आपको जो है म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, या मार्केट प्लेस है फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स? तो इसका राइट आंसर क्या है? तराबाबाद इज ए मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज? किसी चीज के आपके मापने के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, आइकोनोलॉजी, मेट्रोलॉजी या फिर आपका इकोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या है? मेट्रोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ यूक्लिड इनटू संस्कृत? तो आप पहले जानिए कि यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड आपके क्या है? एक आपके ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यूक्लिड के जो वर्क है तो जाहिर सी बात है ग्रीक लैंग्वेज में लिखे होंगे, तो उसको संस्कृत में किसने ट्रांसलेट किया, किसने उसका अनुवाद किया? फ्रेंकोइस बर्नियर, अलबिरूनी, महमूद बल्खी या फिर हाजिन? इसका राइट आंसर क्या है? अलबिरूनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, वन ऑफ द एविल्स इफेक्ट्स ऑफ द क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज? बर्नियर के अनुसार जैसे अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि वो मानता था कि यहाँ पे जमीन पे किसका जो है ओनरशिप है, कौन इसका मालिक है? क्राउन ओनरशिप, इट मींस राजा जो है यहाँ पर सारे जमीन का मालिक होता था, ऐसा बर्नियर मानते थे। तो वो पूछ रहा है, वो यहाँ पूछा जा रहा है कि उसके अनुसार इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा? अगर राजा सारे जमीन का मालिक है तो उसका जो दुष्प्रभाव किस तरीके से पड़ा है ये पूछा गया है। प्रेजेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू फार्मर्स, ये ऑप्शन ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर राजा ही यहाँ पर सारे जमीन का मालिक है तो ओनरशिप आपका फार्मर के पास कैसे जाएगा, तो वन नहीं होगा। दूसरा, अब्सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू द फार्मर्स, ये ऑप्शन सही है। क्यों?
क्योंकि अगर आपका राजा ही सारा जमीन का मालिक है तो किसान थोड़ी मालिक होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये ऑप्शन भी सही है कि जब राजा सारे जमीन का मालिक होगा तो जाहिर सी बात है किसान उस पर उतने मतलब कि डेडिकेशन से खेती नहीं करेंगे जितना अपने जमीन पर खेती करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। अगर हमारा खुद का कोई चीज होता है तो उस पर हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बजाय दूसरे की चीज पे, तो जहां पर आपका 2 और 3 ऑप्शन होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इब्न बतूता हैड सेट ऑफ फॉर इंडिया इन द ईयर, इब्न बतूता जो है भारत के लिए कब यात्रा अपना शुरू करते हैं ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1332-33 कॉमन एरा है, ये कौन सा सेंचुरी है आपका, 14th सेंचुरी। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स हैव मेंशन ए स्ट्रेंज नेशन व्हेन ही सॉ द पॉपुलेटेड पोर्ट ऑफ कैलिकट प्रेजेंट डे कोझीकोड, यहाँ पूछा जा रहा है कि उस ट्रेवलर का, उस आपको यात्री का नाम बताना है जब जो कैलिकट को, जो जिसको कि आज हम लोग कोझीकोड नाम से जानते हैं, जब उसको देखता है वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसको एक स्ट्रेंज नेशन के तौर पर कहता है, यानी कि उसको क्या कहता है, एक विचित्र देश कहता है, तो उस जो ट्रेवलर का क्या नाम है, अलबिरूनी, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर या फिर इब्न बतूता, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है जब एक कैलीकट की जनसंख्या को देखता है तो क्या कहता है कि ये क्या है, विचित्र देश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रेवलॉग ऑफ अब्दुल रज्जाक वाज रिटन इन, जो अब्दुल रज्जाक का ट्रेवलॉग है, जो उसका यात्रा का वृत्तांत है, वो किस साल लिखा गया है, 1560 के दशक में, 1540 के दशक में, 1440 के दशक में या फिर 1460 के दशक में, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1440 के दशक में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम हुज अकाउंट वी डू गेट द एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, हमको इनमें से किन के अकाउंट से यहाँ के एक एफिशिएंट डाक व्यवस्था, बहुत बेहतरीन डाक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, अलबेरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या फिर अब्दुल रज्जाक, इसका राइट आंसर क्या है, इब्न बतूता। इब्न बतूता यहाँ के जो डाक व्यवस्था है उसका विस्तृत जानकारी देते हैं, तो उनके अनुसार यहाँ पे 2 तरीके की डाक व्यवस्था थी, एक आपकी थी हॉर्स पोस्ट और एक आपका क्या था, फूड पोस्ट। तो आपका जो हॉर्स पोस्ट है इसको आपका क्या कहा जाता था, उलुक कहा जाता था, ठीक है, और जो आपका फूड पोस्ट था इसको आपका दावा कहा जाता था। तो ऐसा जानकारी हमको इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में इब्न बतूता देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूरोपियन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया एंड चाइना, ऐसे आपको यूरोपीय यात्री का नाम बताना है जो इंडिया भी विजिट किए और साथ में चाइना भी विजिट किए, पीटर मुंडी, मार्को पोलो, फ्रेंकोइस बर्नियर या फिर मोंसरेट, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मार्को पोलो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म हिंदू वॉज डिराइव फ्रॉम एन ओल्ड विच वर्ड, जो आपका हिंदू शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पर्शियन। जो आपका ओल्ड पर्शियन वर्ड है ये हिंदू, मतलब हिंदू किसको कहते थे, तो जैसे मान लीजिए ये आपका इंडस रिवर है, ठीक है, तो इंडस रिवर के आपके ईस्ट में रहने वाले, इस पार रहने वाले लोगों को क्या कहते थे, आपका हिंदू कहते थे, आपका इंडस के ईस्ट वाले रीजन को लोग क्या कहा करते थे, हिंदू कहते थे, ठीक है, तो ये आपका पर्शियन भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किताबुल हिंद वॉज रिटेन इन एंड इज डिवाइडेड इन चैप्टर्स, मतलब आपको बताना है कि किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है और उसमें कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तुर्किस, पर्शियन, अरबिक या उर्दू, इसका राइट आंसर क्या है, अरबिक। जो आपका किताबुल हिंद है इसको अरबी भाषा में लिखा गया है और टोटल इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स हैं। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन
थ्रू ट्रेवल्स टू बी ए मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रेवलर, कौन से यात्री का ये मानना था कि आपका अनुभव से अर्जित जो ज्ञान है वो आपका किताबी ज्ञान से ज्यादा, मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ऐसा मानने वाले ट्रेवलर का क्या नाम है? अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, अलबिरूनी या फिर इब्न बतूता? तो इसका राइट आंसर क्या है? इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है कई सारे देशों का भ्रमण किए थे, ठीक है, इसीलिए उनको ग्लोब ट्रॉटर या फिर विश्व यात्री कहा जाता था। हु वॉज अपॉइंटेड टू राइट मेमोयर ऑफ इब्न बतूता व्हेन ही रिटर्न बैक टू मोरक्को? जब वो पूरे दुनिया का चक्कर लगा के मोरक्को वापस जाते हैं, तो इनमें से किनको अपॉइंट किया गया था आपके मोरक्को के रूलर के द्वारा कि आप इनका यात्रा वृत्तांत लिखिए? इसमें क्या था, इब्न बतूता जो है जो भी चीज देखे, जाने, समझे, सीखे उसको बोलते थे और एक पर्सन उसको लिखता गया। तो वो पर्सन कौन है? शेख अली हाजिन, इब्न जुजे, शेख इस्तामुद्दीन या मिर्जा अबू तालिब? इसका राइट आंसर क्या है? इब्न जुजे। तो लिखने का काम इन्होंने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स है। रोट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के व्यापार और समाज के बारे में किन्होंने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बारबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सजेस्टेड दैट सोशल डिविजन्स वेयर नॉट यूनिक टू इंडिया बाय डिस्क्राइबिंग फोर सोशल कैटेगरीज इन एंशियंट पर्शिया? तो यहाँ पे जो ट्रेवलर्स आते हैं, तो यहाँ के उनको वर्ण सिस्टम के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे कितने वर्ण में बटा हुआ है। चार वर्ण में बटा हुआ है यहाँ का समाज, ठीक है। तो इसमें से कौन सा यात्री ये कहता है कि जो वर्ण सिस्टम यहाँ हमको देखने मिल रहा है भारत में, वो यूनिक नहीं है? मतलब कि वो सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि आपके एंशियंट पर्शिया में भी ऐसा डिविजन हम लोगों को देखने को मिला था। तो ऐसा कौन कहता है? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या फिर महमूद बल्खी? इसका राइट आंसर क्या है? अलबिरूनी। अलबिरूनी हम लोगों को एंशियंट पर्शिया में चलने वाले जो आपके फोर सोशल कैटेगरीज है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वेयर डिफाइंड एज अंत्यज? अंत्यज किनको कहा जाता था? पोस्टमैन, हेड ऑफ प्रोविंस, फीमेल स्लेव्स या बोर्न आउटसाइड द सिस्टम? तो जिनका व्यवस्था से बाहर जिनका जन्म माना जाता था उन्हीं को क्या कहा जाता था? अंत्यज कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। गिव्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ कोकोनट एंड पान। जो आपका नारियल है और पान का जो आपका सजीव चित्रण कौन करते हैं? इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी गेट्स वेर देयर इन दिल्ली? दिल्ली में आपके कितने दरवाजे थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 28। और ये दिल्ली का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कौन देते हैं आपके? वो भी इब्न बतूता ही देते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली में एंट्री के लिए आपके टोटल 28 दरवाजे थे और उसमें जो बदायूं दरवाजा है वो सबसे क्या था? बड़ा था। और जो मांडवी दरवाजा है वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलती है? एक अनाज की मंडी देखने को मिलती है। और भी डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे फूलों का मार्केट है आपका, इसके बाद वहां पे कब्रगाह है, इन सब की भी जानकारी कौन देते हैं? इब्न बतूता देते हैं दिल्ली के संदर्भ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। अकॉर्डिंग टू होम फूड पोस्ट वॉज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका यहाँ का पोस्टल सिस्टम, डाक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी इब्न बतूता देते हैं। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि वो ये कहते हैं कि फूड पोस्ट वॉज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट। इट मीन्स जो आपका पैदल डाक व्यवस्था था वो आपका घोड़ा के डाक व्यवस्था से तेज था, तीव्र था। इट मीन्स अगर कोई संदेश हम लोग घोड़े के डाक व्यवस्था से भेजे और वही संदेश अगर पैदल डाक व्यवस्था से भेजे तो ये आपका क्या होगा? पहले पहुंचेगा। घोड़े वाले डाक व्यवस्था से पहले कोई संदेश पहुंचेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाई? जो आपका एशियाई उत्पादन शैली था इसका विचार किन्होंने दिया था? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू या फिर बर्नियर? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेल्सर्ट, ए डच ट्रेवलर हु वाज शॉक्ड टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ 5th सेंचुरी।
पूछा जा रहा है कि एक डच ट्रेवलर है जिनका नाम क्या है, पेल्सर्ट नाम है, वो भारत किस सदी में आते हैं और वो यहाँ आकर क्या हुए थे, यहाँ की जो आपकी व्यापक गरीबी है उसको देखकर क्या हुए थे, काफी चौंक गए थे। तो पूछा जा रहा है कि वो भारत का भ्रमण किस शताब्दी में किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 17वीं शताब्दी में आए थे आपका पेल्सर्ट, जो कि क्या थे, एक डच ट्रेवलर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल सिटीज वे डिस्क्राइब्ड एज कैंप टाउन्स बाई, इनमें से किस यात्री द्वारा जो आपका मुगल साम्राज्य के समय जो शहर थे उसको कैंप टाउन कहते हैं। ठीक है, कैंप टाउन का मतलब आपका क्या है, शिविर नगर, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका मुगल जो एम्परर हैं वो मान लीजिए कहीं से आपका गुजर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं अगर रुकेंगे तो वहां उनके रुकने की पूरी व्यवस्था होगी। ठीक है, वहां पे नौकर चाकर रहेंगे, खान पियन अच्छा होगा, वहां उनके साथ जो भी जा रहे हैं उनको जरूरत की चीजें वहां मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या है, वहां पे छोटे छोटे शहर डेवलप होंगे। मान लीजिए यहाँ पे रुके, फिर यहाँ रुके, फिर यहाँ रुके, कहीं भी जाने के समय बीच में जहां भी रुकते थे तो वो सब क्या है, एक छोटे शहर का रूप ले लेते थे। तो उन्हीं सबको कैंप टाउन कहता है कि यहाँ पे जो भी शहर है वो क्या है, कैंप टाउन है, शिविर नगर है। ऐसा कहने वाले कौन थे, तो राइट आंसर इसका क्या है, बर्नियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एसर्शन क्या कह रहा है, इब्न बतूता रिहला प्रोवाइड्स रिच डिटेल अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया इन 14th सेंचुरी। ठीक है, इब्न बतूता को जो किताब है रिहला, वो हम लोगों को भारत के जो आपका सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन है उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देता है। ये ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा रीजन क्या दे रहा है, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया इन द 13th सेंचुरी, इब्न बतूता भारत कब आए थे, 13वीं शताब्दी में आए थे। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि वो 13वीं शताब्दी में नहीं आए थे, बल्कि कब आए थे, वो यहाँ आए थे आपका 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ, 1200 के बाद ना, लेकिन वो कब आते हैं, 1300 के बाद आते हैं, 1323 के बाद आते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 14वीं शताब्दी हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। इट मीन्स यहाँ assertion is true but reason is false, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट दिया है, अलबिरूनी बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वाज यूनिक एंड हैड नो पैरेलल्स इन अदर सोसाइटीज। अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे कि अलबिरूनी कहते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, और इसके पैरेलल हम लोग को जो आपका एंशियन पर्शियन अगर समाज देखे तो वहां पे भी चार डिवीजन, फोर फोल्ड डिवीजन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये असर्शन क्या है, गलत है। रीजन क्या दे रहा है, अलबिरूनी एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। जो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन था भारत में जो आपका कास्ट सिस्टम है उसको वो मानते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि आपका जो नोशन ऑफ पॉल्यूशन है उसको वो नहीं मानते। जैसे यहाँ क्या कहा जाता था कि कुछ टास्क आपका क्या है, पॉल्यूटिंग टास्क है, जैसे आपका डेड बॉडी को जलाना हुआ, तो ऐसे सारे टास्क को क्या है, पॉल्यूटिंग टास्क कहते हैं। और उसको जो प्रैक्टिस करता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग चैप्टर 3 में देखे थे जो चांडाल्स थे जिनका क्या नाम है, अनटचेबल माना जाता था, तो उनके हिसाब से जो आपका कोई भी पल्यूट होता है तो उसको फिर से जो है ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है। तो पॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं मानते थे, लेकिन जो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन था कास्ट सिस्टम का उसको मानते थे। यहाँ ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट दिया है सरसन में, इब्न बतूता एनकाउंटर्ड बैंड्स ऑफ रोबर्स मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स। उनका जो है, अगर हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन पढ़े तो यहाँ पे उनको कई बार लूटा गया है। ठीक है, यहाँ पे पेश आने वाली दिक्कतों में एक सबसे बड़ा दिक्कत उनके लिए क्या था, लुटेरों का दिक्कत था। और क्या क्या और दिक्कत बताते हैं यहाँ पे, कि इंसान जब निकलता है तो उसको घर की याद आती है, अकेलापन सताता है, बीमार हो जाने से कोई देखने के लिए भी नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है। रीजन क्या दिया गया है, इब्न बतूता कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रेवल्स टू बी ए मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, कि किताबी ज्ञान से ज्यादा बेहतरीन ज्ञान क्या है, आपका अनुभव द्वारा जो ज्ञान पाया जाए। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कोई दोनों में रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है।
फिल इन द ब्लैंक्स है, कंसिडर्ड लेमनेड एंड दही एज रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स इन द सब कंटिनेंट। यहाँ पर किसने नींबू पानी और दही को एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे माना है कि एक इंडियन सब कंटिनेंट में नींबू पानी और दही लोग पीते हैं आपका रिफ्रेश होने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका बर्नियर। तो इस तरीके से टोटल हम लोग अब जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।